वैज्ञानिक लगातार कोरोना महामारी से निपटने के लिए काम कर रहे हैं। सस्ती टेस्टिंग किट, मेडिकल और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के विकल्प विकसित किए जा रहे हैं। वहीं इस वक्त इलाकों को सैनिटाइज करने और जरूरी चीजों के परिवहन भी एक बड़ी समस्या है। शोधकर्ताओं ने इसका समाधान ड्रोन तकनीक से निकालने की कोशिश की है। ये खास ड्रोन इस महामारी में कैसे उपयोगी साबित हो सकता है, जानने के लिए देखते हैं ज्ञान विज्ञान की रिपोर्ट। वैश्विक महामारी के इस प्रकोप में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के साथ फ्रंट लाइन पर हैं वो लोग जो सड़कों पर इस समस्या से निपटने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। इनमें एक अहम ड्यूटी है सार्वजनिक स्थलों को सैनिटाइज करना, जिसके लिए स्वास्थ्य या नगर निगम कर्मचारी सड़कों पर निकलते हैं, जो कि खुद उनके लिए भी एक जोखिम है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के छात्रों ने ड्रोन तकनीक का उपयोग कर इसका समाधान निकाला है। छात्रों ने IIT से जुड़ी अपनी स्टार्टअप कंपनी मारुत ड्रोनटेक द्वारा एक स्वचालित स्प्रे वाला ड्रोन सिस्टम विकसित किया है, जिसके द्वारा सार्वजनिक स्थलों को आसानी से बिना बाहर गए सैनिटाइज किया जा सकता है। ये तकनीक चीन और दक्षिण कोरिया में काफी कारगर रही। World is facing unprecedented challenge with the outbreak of novel coronavirus. Medical professions, police, sanitation workers are risking their lives every day. Drones are the perfect solutions to fight against COVID-19 with zero human contact, efficient, quicker and cost-effective solutions and also can cover large areas in lesser amount of time. मारुत ड्रोन टेक ने तेलंगाना सरकार के साथ मिलकर कुछ क्षेत्रों में इसका उपयोग शुरू भी कर दिया है। खास बात ये कि जितने क्षेत्र को सैनिटाइज करने में एक कर्मचारी को 1.5 दिन लगते हैं, ड्रोन के द्वारा वो क्षेत्र कुल 15 मिनट में सैनिटाइज हो जाता है और किसी तरह का मानव संपर्क भी नहीं होता, जो कि इस समय कोरोना को रोकने के लिए जरूरी भी है। यही नहीं, शोधकर्ताओं ने लाउड स्पीकर और कैमरा लगाकर निगरानी के साथ साथ दिशा निर्देश और चेतावनियां जारी करने के लिए भी ड्रोन तैयार किए हैं, जो कि पारंपरिक पेट्रोलिंग से कहीं ज्यादा तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकता है और लोगों को सतर्क कर लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने में सहयोग कर सकता है। We have used disinfected spraying in 8 different districts of Telangana, like Sangareddy, Nizamabad, Nalgonda, Warangal, Kamareddy, etc. Major disinfection spraying is happening where there have been cases found, the quarantine places, on the basis they found the positive cases and everything. So where they don't, the municipal officials or the official doesn't want any direct contact with the people there. So we are using drones extensively there so that like we don't have a contact with the location and surface, and which is a faster and efficient way of doing with the drones than the physical with the humans. शोधकर्ता ड्रोन तकनीक की उपयोगिता का और ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी काम कर रहे हैं, जैसे थर्मल इमेजिंग और तापमान जांच। ड्रोन में इंफ्रारेड कैमरों का उपयोग कर परीक्षण किया गया, जो कि कैमरे की रेंज में शरीर के असामान्य तापमान को दर्ज करने में कामयाब रहा। यानी इस तरह के थर्मल कैमरे वाले ड्रोन से दूर बैठा स्वास्थ्य अधिकारी एक साथ पूरे क्षेत्र में संदिग्धों की पहचान कर सकता है। इस तरह संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। ड्रोन द्वारा अति आवश्यक दवाओं आदि की सप्लाई का भी परीक्षण सफल रहा है। ड्रोन में लगे बॉक्स में रक्त के नमूने और दवाइयां रखकर भेजा गया। ड्रोन ने 8 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय की, जो कि किसी अन्य परिवहन डिलीवरी से लगभग 80 गुना तेज थी। ये ड्रोन स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों के साथ साथ पीड़ित परिवारों तक जरूरत की दवाइयां पहुंचा सकता है। तेलंगाना सरकार और अस्पतालों के सहयोग से हुए इस परीक्षण की सफलता की जानकारी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को दी गई। We are using 10 liters disinfection spraying drone, which can carry a payload of 10 liters and can able to do it 200 liters in a day, covering 15 to 20 kilometers in a day or approx 30 acres in a day. Due to this lockdown, the police having a lot of challenges to monitor and control the people on road, on different locations and everything. So we have used drones for surveillance and used drones for the crowd managing and used drones for
public health announcements for do's and do nots of during the COVID-19. Districts like Karimnagar, Hyderabad, and the police department has adopted the surveillance drones for the public announcement and for the more of a monitoring the people on the roads and in the restricted areas. In March 14th, we have demonstrated our medical delivery drone with the officials of DGCA and Telangana government and the World Economic Forum. रिमोट संचालित मानव रहित विमानों की तकनीक भले ही पुरानी हो और इसका इस्तेमाल निगरानी आदि के लिए किया जाता रहा हो, लेकिन इस वक्त कोरोना संक्रमण के दौरान जब हर तरफ तालाबंदी है, ऐसे में IIT गुवाहाटी के छात्रों द्वारा ड्रोन तकनीक पे बदलाव और नवाचार का ये रूप एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसके द्वारा इस महामारी में जरूरी सुविधाएं प्रदान कर रहे लोगों को सुरक्षित किया जा सकता है और सेवाओं की आपूर्ति को और तीव्र और सक्षम बनाया जा सकता है।